अयोध्या क्या है ये बताइए। अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, यहाँ के कण कण में श्री राम है। अयोध्या शक्ति है, अयोध्या भक्ति है, अयोध्या हमारे रामलला का धाम है। पूरी दुनिया कहेगी कि मुझे अयोध्या जाना है, मतलब मेरे को अमेरिका से मैसेज कॉल आते हैं, अच्छा। तुम्हारी वीडियो लोग मुझे भेजते हैं कि ये देखो अयोध्या में क्या हो रहा है। सदियों का वनवास काट निज धाम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। तो अयोध्या यात्रा के दौरान हमारी मुलाकात हर्षवर्धन पटेल से हुई है। हर्ष भाई छाए रहते हैं इंस्टाग्राम पे और हजारों लाखों लोग इनको देखते हैं, रोज देखते हैं। और अयोध्या को जो ये दिखाते हैं ना बहुत सुंदर तरीके, अगर इनकी वीडियोस देखेंगे तो आपको लगेगा कि वाह गजब तरीके की अयोध्या यार, करते कैसे हो ये सब यार रोज नहीं। बस सब कुछ प्रभु श्री राम जी की कृपा है। अच्छा, मतलब प्रभु की कृपा कुछ ऐसी हुई है कि मतलब खुद ही ख्याल आ जाता है कि इस चीज़ को ऐसे बनाना है। अच्छा, मतलब आप लोग सच में बिलीव नहीं करोगे इस चीज़ का, लेकिन मतलब सोते समय ही रात में ऐसा ख्याल आ जाता है कि ये बनाना है। और राम जी की कृपा भी ऐसी है कि मतलब करोड़ों लोगों तक वो चीज़ें पहुंचती हैं। अच्छा, क्योंकि बनाते तो लाखों लोग हैं, बट वो चीज़ें करोड़ों लोगों तक पहुंच जाती हैं पता नहीं कैसे। अच्छा, बस बजरंगबली और राम जी की कृपा है ये चीज़। अच्छा, ये बताइए कि जैसे आप इसके अलावा दूसरे एमपी में भी गए, मैं देख रहा था एमपी की वीडियोज़ भी आपके लगातार है, तो जब आप कॉन्टेंट बनाते हैं तो क्या मन में रहता है? मन में ही रहता है कि हमें अपनी जो सनातन संस्कृति है उसको पूरे विश्व को दिखाना है। बहुत सारे हमारे मंदिर हैं, बहुत सारी ऐसी जगह हैं हमारे जिनके बारे में लोग कम जानते हैं। अयोध्या के ऐसे बहुत सारे मंदिर हैं जिनके बारे में लोग कम जानते हैं, तो उनके बारे में पूरी दुनिया जान सके, देख सके, हमारी यही इच्छा रहती तो है। आपकी नज़र में अयोध्या क्या है ये बताइए। अयोध्या हमारे लिए सब कुछ है। अयोध्या हमारी जन्मभूमि है, अयोध्या हमारी कर्मभूमि है। इसमें मैंने कुछ लाइनें लिखी हैं कि अयोध्या सिर्फ एक शहर नहीं, यहाँ के कण कण में श्री राम है। अयोध्या शक्ति है, अयोध्या भक्ति है, अयोध्या हमारे रामलला का धाम है। यार जब आप बोलते हो ना मतलब वीडियोस में तो मतलब मज़ा आ जाता है, एक तरीके से माहौल जम जाता है ना। बिल्कुल। तो मैं देख रहा था कि यार आपकी वीडियोस में आप चलते चलते बिल्कुल बताए जा रहे हैं साइड में प्रभु श्री राम की, जिस तरीके से रामपद बना हुआ है, जिसे अयोध्या सजी हुई है, ये सब कुछ आप दिखाते हैं। शुरुआत कैसी हुई थोड़ा ये भी बता दीजिए। देखिए इस पेज की शुरुआत हुई थी जिस दिन राम मंदिर का भूमि पूजन हुआ था, उसी दिन मन में इच्छा आई कि हमारा शहर जो इतना पौराणिक है बट लोग इसके बारे में इतना कम जानते, लोगों के माइंड सेट में था कि अयोध्या बहुत ही विवादित स्थल है और लोगों का माइंड सेट जो था अयोध्या को बहुत बेकार था कि अयोध्या में कुछ है ही नहीं जी। तो मैंने कहा अयोध्या की जो खूबसूरती है मुझे उसके पूरे विश्व को दिखाना है जी। पूरी दुनिया कहेगी कि मुझे अयोध्या जाना है, लोगों के मन में मुझे ये लाना था, यही संकल्प लेके मैंने शुरुआत की थी इस पेज की। संकल्प लगभग पूरा हो रहा है। 2 मिलियन आपके फॉलोअर इंस्टाग्राम पे हैं जी। और कहाँ कहाँ पे अपनी वीडियोस पोस्ट करते हैं? देखिए मैं मतलब मेनली अयोध्या करता हूँ, इसके बाद मथुरा हो गया, बनारस हो गया, एमपी हो गया, मैंने लगभग पूरा एमपी कवर किया है। अब मेरा बहुत ही ज़्यादा इच्छा है कि मैं साउथ कवर करूं पूरा। साउथ में हमारे राम जी के जो जो प्लेसेस हैं, जहाँ जहाँ राम जी का वनगमन मार्ग है, पूरा मैं उसको कवर करूं। अच्छा ये बताइए कि जब आप अपने वीडियोस डालते हैं तो अयोध्या के लोग ही देख रहे हैं या पूरे भारत के लोग देख रहे हैं? पूरे भारत के नहीं, पूरे विश्व के लोग देख रहे हैं। मतलब मेरे को अमेरिका से मैसेज कॉल आते हैं। अच्छा, इवन जो फॉरनर हमारे दोस्त रहते हैं बोलते हैं भाई तुम्हारी वीडियो लोग मुझे भेजते हैं कि ये देखो अयोध्या में क्या हो रहा है, ये हाल हो रखा है। तो मथुरा पे क्या किया कुछ खास? मथुरा की मैंने पूरी होली कवर की है। मथुरा की होली विश्व में फेमस है पूरे। तो मथुरा की होली और बनारस की देव दिवाली, ये दो मेरे फेवरेट फेस्टिवल है अयोध्या के दीपोत्सव के बाद। अच्छा जी, तो अयोध्या के बाद जैसे आप तो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है जी, तो उस दिन कुछ खास करेंगे, क्या प्लान है? बिल्कुल करेंगे। प्राण प्रतिष्ठा में मैंने कुछ लिखा भी, मैं आपको सुनाता हूँ कि सदियों का वनवास काट निज धाम अयोध्या आएंगे, सारी दुनिया देखेगी जब राम अयोध्या आएंगे। अवधपुरी की सूनी गलियां सज धज राह निहारेंगी, मात सिया के कर कमलों को थाम अयोध्या आएंगे, मेरे राम अयोध्या आएंगे, मेरे राम अयोध्या आएंगे। अच्छा, अब राम अयोध्या आएंगे ये सवाल पर एक सवाल और मेरा है। ठीक है, आपने कहा कि राम अयोध्या आएंगे, बहुत सारे लोग भजन भी गा रहे हैं यार, राम तो अयोध्या में ही है, कहीं आना थोड़ा है। रामलला अयोध्या में थे बिल्कुल, लेकिन वो कहाँ थे? अब वो मतलब कहने का मतलब ये होता है रामलला अपने तंबू से निकल के अपने राजमहल में आएंगे, ये बड़ी बात है। मेरे को इसी पे कमेंट आया था कि राम कहाँ गए थे, कहाँ आएंगे। अच्छा। तभी मैंने उसका रिप्लाई किया था, रामलला तंबू में थे, अपने राजमहल में आएंगे। तो क्या रामलला को लाने वाले आप मतलब कौन है, कौन रामलला को ला सकता है? मैंने कहा हजारों कार सेवक और करोड़ों हिंदुओं ने अपनी आस्था और उन्होंने अपने प्राणों की आहुति दे दी रामलला को मंदिर में लाने के लिए। तो हम बिल्कुल कहेंगे कि हम रामलला को लाए हैं उनके राजमहल में। राम जी को लाने के लिए किसी का सहारा था, मतलब वो खुद से नहीं, वो तो भाई मर्यादित उनका वही है, वो चाहते तो खुद अपना मंदिर बनवा लेते, लेकिन कहते हैं ना कलयुग में मर्यादित रहना ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। उनके सेवक जो है वो कर रहे हैं, सेवक कर रहे थे बिल्कुल, लाखों कार सेवकों ने अपने प्राणों की आहुति दी है उस मंदिर के लिए। तो रामलला बिल्कुल आए हैं, तंबू से निकल के अपने राजमहल में आए हैं। तो आपका प्रभु श्री राम के अलावा और क्या कंटेंट रहते हैं? मेनली मेरा राम जी से कंटेंट है, राम जी से कंटेंट, क्योंकि मतलब अगर जन्मभूमि यही है तो लगाव अलग ही लेवल का है, इसको तो मैं बता भी नहीं सकता कि कितना लगाव है राम जी से।
तो साथ में कुछ राम जी के लिए कुछ लिखते हैं आप या इस तरह के कुछ? देखिए राम जी के लिए तो मैं लिखता कम हूँ, दिखाता ज़्यादा हूँ दुनिया को कि देखिए राम जी के तुलसी जी ने और वाल्मीकि जी ने तो इतना लिख दिया कि उनसे ज़्यादा कोई नहीं लिख सकता। तो इस पर एक लाइन ये भी है कि राम जी के बारे में क्या लिखूँ मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, राम जी के बारे में क्या लिखूँ मेरी हिम्मत नहीं है कुछ, तुलसी जी ने वाल्मीकि जी ने छोड़ा ही नहीं है कुछ। यार बहुत सुंदर, मतलब गजब माहौल जमा दे रहे हो यार। देखो मैं अभी मुझे पता चला कि आपके बारे में, हालांकि इससे पहले एक दोस्त हमारे परिचित थे यहाँ पर, उन्होंने कहा यार आप हर्ष भाई से मिले गजब के हैं। उसके बाद मैंने अपने इंस्टाग्राम में आपकी आईडी खोली, कुछ वीडियोस देखी, तो शुरुआत में जो आपका जो नया रामपथ बन रहा है, जो नया राम का जो गेट है, उस आपने वीडियोज़ बनाई थी तो बहुत सारी तस्वीरें लगाई थी, तो मतलब आपका जो बोलने का स्टाइल था मुझे खासतौर बहुत पसंद आया। फिर देखा कि आपके 2 मिलियन फॉलोअर हैं और बता रहे हैं कि बहुत जल्दी आपने ये फॉलोअर बनाए, तो कितना टाइम लगा? मतलब देखिए 3.5 साल हो गए मुझे मेहनत करते हुए जी। राम मंदिर का भूमि पूजन इस बार जब 5 अगस्त को आएगा 4 साल हो जाएंगे मेरे पेज को जी। तो मतलब एक दिन की मेहनत तो नहीं है, लेकिन हाँ राम जी की कृपा ऐसी रही कि 1 मिलियन तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, उसके बाद राम जी की कृपा है कि अब बहुत आराम से चीज़ें हो जा रही हैं। अच्छा जैसे लोग अयोध्या आ रहे हैं, प्रभु श्री राम का मंदिर देख रहे हैं, यार इसके अलावा और क्या देख सकते हैं बताइए, क्योंकि अपने आपके फॉलोअर्स हैं आप बताते होंगे, तो हमारे दर्शकों को बताइए कि अयोध्या आकर वो क्या कर सकते हैं। देखिए अयोध्या के जो कुछ मंदिर जो बहुत फेमस है, हनुमानगढ़ी मंदिर हो गया आपका, दशरथ महल हो गया, कनक भवन हो गया, राम जन्मभूमि हो गया, जो लोग घूमते घूमते हैं, इसके बाद आपका माता सीता की कुलदेवी देवकाली माता का मंदिर है। ये कहाँ पर है? ये आपका आगे पड़ेगा देवकाली स्थान, उस स्थान का नाम भी देवकाली है, तो माता सीता की कुलदेवी है वो, तो उनकी भी बहुत ज़्यादा मान्यता है। अयोध्या को एक अष्ट अयोध्या कहा जाता है, अष्ट अयोध्या में 8 मंदिर हैं, मेरे को 2 के नाम नहीं याद है, उनका गिनाता भी आपको, तो 8 मंदिर ऐसे हैं जिनके अगर दर्शन आप नहीं करते हैं तो आपके दर्शन अधूरे माने जाते हैं। और बाकी आप मणि रामदास छावनी में जाएंगे आपको वाल्मीकि रामायण भवन मिल जाएगा, वाल्मीकि रामायण भवन सच में इतना सुंदर, मेरा फेवरेट स्थान में ऐसे आ जाता है। वहाँ पे दीवालों पे रामायण के पूरे 24,000 श्लोक दीवाल पे लिखे हुए हैं, पूरे 24,000 दीवाल पे लिखे हुए हैं, बहुत बड़ा भवन है। वहाँ पे शांति इतनी ज़्यादा है ना कि अगर मन को शांति चाहिए तो वहाँ जाइए। उसके बाद आपका एक चार धाम मंदिर है कि जो चारों धाम नहीं गए हैं वहाँ पे आपको चारों धाम के मंदिर मिले, एक मंदिर है उसका नाम चार धाम है, वहाँ चारों धाम के अलग अलग प्रतिमा है, चार धाम के दर्शन हो जाएंगे। एग्जैक्टली वैसे तो राम जी के चरणों में ही चारों धाम है, लेकिन आप वहाँ चार धाम के दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद राम मंदिर कार्यशाला है, वहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ मतलब पहले जब लोग वहाँ पे जाते थे, मंदिर नहीं बना था तो वहाँ पे सिलाई रखी थी मंदिर की, तो 2019 में मुझे एक लोग जब मैं गया था तो वहाँ के एक व्यक्ति ने मुझसे एक लाइन कही थी, मैं सुनाना चाहूँगा कि मंदिर से पहले मंदिर की झलक दिखलाती हैं, मंदिर से पहले मंदिर की झलक दिखलाती हैं, ये वही सिलाएं हैं जो राम का पता बताती हैं। बहुत सुंदर, बहुत मजा आ गया यार, रंग जमा दिया आपने। अच्छा ये बताओ ना कि जैसे आपके जो फॉलोअर हैं, आप बता रहे हैं कि दुनिया भर में फैले हुए हैं, तो कोई अभी फॉलोअर आया जो कहीं से आपकी वीडियोस देख के अयोध्या आया हो या यहां आके? बहुत बहुत, मतलब अगर मैं दिन की बात करूं, मैं कल अगर आप मेरे साथ दिन में घूमेंगे ना, मैं इधर आऊंगा कम से कम नहीं 50 लोग मिल जाएंगे ऐसे, भैया आपकी वीडियो देख के आया हूँ। दीपोत्सव तो दुनिया ने देखा ही नहीं था, मैं तो खुल के कहता हूँ दीपोत्सव दुनिया मेरी वीडियो से देखी है। लास्ट टाइम जब दीपोत्सव हुआ था इतने लोग मिले थे कि मैं बता नहीं सकता। 2022 की मेरी वीडियोज़ पे करीब पहली बार ऐसा हुआ था कि अयोध्या के किसी भी इन्फ्लुएंसर के मतलब नोन में मेरे 50 मिलियन व्यूज़ आए थे वीडियो पे। बस हम यही चाहते हैं कि राम जी की जो सेवा कर रहे हैं, दुनिया को अयोध्या को दिखा रहे हैं, पूरी दुनिया एक बार अयोध्या देखने, तो अयोध्या कितनी खूबसूरत है, लोगों के मन में पहले बहुत सारी चीज़ें थी कि वहाँ पे दंगे होते हैं, ये होते हैं, बट अयोध्या बहुत ही खूबसूरत है। और जब से अब हमारा एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन अच्छा हो गया, तब से तो आने की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई, तो अब देश दुनिया से लोग आ भी रहे हैं। बिल्कुल, तो देखिए हर्ष भाई जैसे लोग हैं जो अयोध्या की खूबसूरती को दुनिया तक पहुँचाते हैं। मैं जैसे अभी कह रहा था कि अयोध्या है सुंदर, लेकिन दुनिया से तब आएंगे जब हर्ष भाई जैसे लोग, हर्ष भाई जैसे इन्फ्लुएंसर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर दुनिया को दिखाएंगे कि अयोध्या वाकई में है क्या। देखते रहिए इंडिया.com।